हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो गैजेट जंक्शन। आज हम बात करने वाले हैं फायर स्टिक पर आप कैसे वेब ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमें फायर स्टिक पर वेब ब्राउजर की ज़रूरत ही क्या है। तो अभी के टाइम पर आपको काफ़ी सारी स्ट्रीमिंग ऐप्स तो फायर स्टिक ऐप स्टोर पर देखने के लिए मिल जाती है, बट स्टिल कुछ ऐप्स आपको मिसिंग आउट फील होती है। ऐसे में आप एक वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करके आपकी जितनी भी मिसिंग आउट ऐप्स है उन ऐप्स का डायरेक्टली वेब बेस्ड वर्जन यूज़ करके कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट डायरेक्टली आपके टीवी से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी यूज़ आता है एक वेब ब्राउज़र का टीवी पर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, कौन कौन से ब्राउज़र आपको देखने के लिए मिलते हैं फायर स्टिक पर और किस ब्राउज़र की क्या खासियत है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ॉन सिल्क ब्राउज़र की। ये ब्राउज़र आपको ईजिली अमेज़ॉन फायर स्टिक के ऐप स्टोर पर देखने के लिए मिल जाता है। इस ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इजीली फायर स्टिक ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद हम इस ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। अब ब्राउज़र में सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिमोट कंपैटिबिलिटी के साथ आता है, जिससे आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं आपके टीवी रिमोट से। इसमें आपको वेल ऑप्टिमाइज्ड वे में कंटेंट सर्व करने को मिल जाता है, जिससे आप टीवी रिमोट के थ्रू इस पर कंटेंट सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें बेसिक ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे क्लियर हिस्ट्री एंड डेटा, कस्टमाइज दी मेन्यू, कर्सर स्पीड, आपके रिमोट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आप मेन्यू में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको यदि रिसेंटली वेबसाइट देखनी है तो आप इसे ऑन रख सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड ब्राउज़र की बात की जाए तो वो है फायरफॉक्स फॉर फायर टीवी। ये ब्राउज़र में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड बेस्ट थिंग इज़ कि ये भी रिमोट कंपेटिबिलिटी के साथ आता है। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आप डायरेक्टली फायर स्टिक ऐप स्टोर से फायरफॉक्स फॉर टीवी को सर्च कर सकते हैं। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि फायरफॉक्स में आपको टर्बो मोड भी देखने के लिए मिलता है, जिससे ये ऑटोमेटिकली एड्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी वेबसाइट काफ़ी फास्ट वे में लोड हो जाती है। अभी यदि आपके फायरफॉक्स को फ़ोन या पीसी पर भी यूज़ करते हैं तो आप इस वेब ब्राउज़र में साइन इन भी कर सकते हैं, जिससे आपके डिवाइस की हिस्ट्री और पासवर्ड सिंकअप हो जाते हैं। यदि आप कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आपको कंप्लीट पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ता। ऑल्दो ये वेब ब्राउज़र में आपको सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बट इसमें आपको डाउनलोडिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र के थ्रू ऐप्स डाउनलोड करके फायर स्टिक पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐसे में आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली फाइल्स को आपकी फायर स्टिक पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब फायर स्टिक पर क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले डाउनलोडर ऐप को सर्च करेंगे। बेसिकली डाउनलोडर ऐप के थ्रू आप कोई भी फाइल को आपके फायर स्टिक पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली कोई ऐप को साइड लोड करना चाहते हैं तो इसके लिए यह ऐप काफ़ी काम आती है। अब डाउनलोडर ऐप डाउनलोड करने के बाद हम फर्स्ट टाइम इसे स्टोरेज एक्सेस ग्रांट करेंगे। इसके बाद हम इधर क्रोम एंड्रॉयड APK को सर्च करेंगे। आपको क्रोम की APK काफ़ी ईजिली डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। कोई भी पॉपुलर वेबसाइट पर विजिट करके क्रोम की APK डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम APK डाउनलोड करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अब APK डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको डाउनलोडर में अननोन सोर्सेज से ऐप का एक्सेस ग्रांट करना है। इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, इंस्टॉल अननोन ऐप्स पर हम डाउनलोडर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम बैक आकर ऐप को वापस से इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल बटन सेलेक्ट करेंगे एंड ऐप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्रोम ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप इस ऐप को भी आपकी फायर स्टिक पर एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप यदि क्रोम ब्राउज़र आपके फ़ोन या पीसी पर यूज़ करते हैं तो आप इस पर साइन इन करके कंप्लीट क्रोम का एक्सपीरियंस आपके फायर स्टिक पर भी ले सकते हैं। वन मेजर ड्रॉबैक जो आपको क्रोम ऐप में इसमें देखने को मिलता है कि आपको इसमें कंप्लीट रिमोट सपोर्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से आप हर वेबसाइट या हर क्रोम की फंक्शनैलिटी का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते हैं। ऐसे में आप अपने फायर स्टिक पर ब्लूटूथ माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करके कंप्लीट क्रोम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं फायर स्टिक पर। सो प्रीटी मच दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए यदि आपको कोई डाउट है या आपको इश्यू फेस करना पड़ता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और टेक रिलेटेड और कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वन।